अज ही मैं कैबिनेट के विच एक फैसला करके आया कि हर साल पंजाब पुलिस के विच वख-वख रैंक्स दे हर साल 2100 तो ज्यादा मुंडे कुड़ियां भर्ती किए जाएंगे, सब इंस्पैक्टर, 1800 कॉन्स्टेबल, सब इंस्पैक्टर, हैड कॉन्स्टेबल। आ हुण की है, 13 यूनिवर्सिटियां दे स्टूडेंट कट्ठे हुए ने, आपस आइडिया शेयरिंग हुई है ना, जोमैटो पंजाबी ने फरीदकोट का जोमैटो बनाने वाला आइडिया सी, फ्लिपकार्ट लुधियाने वाला, ओला पंजाबी है अपना, आइडियाज तो सी, आइडियाज की कोई कमी नहीं पंजाबियों को, टैलेंट की कोई कमी नहीं, कमी है तो बस प्लेटफॉर्म की कमी है, वो असं तुम्हें प्रोवाइड करावे। तो अज ही मैं कैबिनेट के विच एक फैसला करके आया कि हर साल पंजाब पुलिस के विच वख-वख रैंक्स दे हर साल 2100 तो ज्यादा मुंडे कुड़ियां भर्ती किए जाएंगे, सब इंस्पैक्टर, 1800 कॉन्स्टेबल, सब इंस्पैक्टर, हैड कॉन्स्टेबल। और उन्होंने मैं पहला दसन लगे थानू कि जन नोटिफ अज कैबिनेट च फैसला किया जनवरी च नोटिफिकेशन होगा, मई ते जून च रिटर्न टेस्ट होगा, सितंबर 15 तो 30 दे लगभग सितंबर दे विच तुहाडा फिजिकल टेस्ट होगा, अक्टूबर नवंबर च तुहानू नियुक्ति पत्र मिल जूगा हर साल। यह गल मैं एक साल की नहीं कहता, हर साल जिन्ने साल तुसीं सानू हरा पेन दे के रखोगे, क्योंकि करदे पहला भी सी भर्ती, मैं कोई नवी नहीं खोली, करते हैं 2000 कद 2100-2200 भी हो जाता रिटायर होंगे ने, पर 2 महीने पहला दसते हैं कि पुलिस का टेस्ट है। वह बहुत सारे मुंडे कहते यार पहला दस दें, तैयारी कर लेंगे, फिजिकल तैयारी करनी पैंती है, टेस्ट औखा है। सो असी पहला दस रहे थानू कि 2023 के जनवरी नोटिफिकेशन होगा, मई जून पेपर होगा, सितंबर च फिजिकल टेस्ट होगा, अक्टूबर नवंबर चुनू पंजाब पुलिस के वख-वख रैंक से बिना किसी सिफारिश तो बिना किसी पैसे तो तुम कम कर रहे हो। बहुत सारे होर प्रोजेक्ट लेकर आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज लेके आ रहे हैं, कह नहीं यार ए कर लो किन्ने पंजाबियों को काम मिलेगा, ए नहीं तो ए कर लो किन्ने होर इंप्लायमेंट जिहड़ी है वो जनरेट होगी। सो साडा सारा ध्यान रोजगार से है, और रोजगार यूथ है, क्योंकि नहीं फिर नहीं तो हर तीजी बिल्डिंग से लिखा होया न्यूजीलैंड जाने लई मिलो, सिंगापुर जाने लई मिलो, कनेडा जाने लई मिलो, कोई नहीं कहिंदा पंजाब रहण लई मिलो, पंजाब रहण लई मिलो, मैं कहना है पंजाब रहण लई मिलो। जिहड़ा पिछले दिन तुम देखते हो बहुत सारे सी गैंगस्टर फड़े, यंग मुंडे ने 18-19-20 साल, कल परसों एक 17 साल का भी फड़िया, कारण उतो लालच दे लेंदे ने, इधर वेले ने, तू आ एक बंडल उत्थे फड़ाया तेनू इन 1 लाख मिल जूगा, 80,000 मिल जूगा, 20,000, उन्होंने यह नहीं पता होंदा कि बंडल मैनू जेल च लै जूगा। सो इस करके जे वह काम ते गया होंदा उस दिन तो किनू फड़ाउंदे बंडल, फिर वह किनू कहिंदे। सो मैं इस गल लई मैं कहना कि सानू सारयां नू पुलिस नू भी प्रशासन नू भी ते आपां नू सारयां नू इकट्ठियां नू एफर्ट करनी पऊगी। मैं कोई माफिया नहीं पालन लग्या, मैं कोई माइनिंग माफिया नहीं पैदा कर लग्या, ना ही मैं कोई बस पानी है, ना ही मैं कोई किसी खड्ड च हिस्सा पाना है, मैं हिस्सा पाना तो पंजाबियों के दुखों सुखों ही पाना, मैं होर कितने नहीं पाना। असी शहीद भगत सिंह युवा अवार्ड शुरू किए, बंद पे से हरेक जिले चो 2 नौजवान मुंडे कुड़ियां जो भी हो डिजर्व करनगे उन्होंने चुनांगे, 51,000 की सन्मान राशि है, तो वह सर्टिफिकेट जो मिलेगा नौकरी लैन के उस वो मिलेगी परसेंटेज मिलेगी, तो आ यूथ फेस्टिवल के आ जो यूथ फेस्टिवल के सर्टिफिकेट ने यह भी नौकरी लैन के भी एक एक्सट्रा असी बोनस दें। पंजाबी लागू करने का फैसला कर लिया, पंजाब के पंजाबी लागू करने का फैसला करना पै रहा, पहली गल तो यह होली पहली होनी चाहिए सी, पर कई स्कूल यहोजे ने मेरे ध्यान च आए, मिनिस्टर साहब नाल गल की है पंजाब च ने पानी थले नलका लगे पंजाब का पानी निकलता है,
जिहड़े अद्धी छुट्टी वेले खाना खांदे टीचर भी ते सारे भी उह पंजाब दी रोटी है पर पंजाबी बोलण ते पाबंदी लगी हुई है जे पहली बार बच्चे पंजाबी बोलदे फड़े गए तां 10 रुपये जुर्माना जे दूजी बार फड़े गए तां फड़े गए मतलब कुछ चोरी दा काम है तो असीं उहनां नूं कहा कि जे तुसीं पहली बार जुर्माना कीता तुहाडे स्कूल दी एफिलेशन असीं खत्म कर देंगे असीं उहनूं ओवरटेक कर लांगे ये कोई असीं थप्पदे नहीं हैगे थप्पदे नहीं जिहड़ी मर्जी लैंग्वेज सिखो फ्रेंच सिख लो जर्मन सिख लो जिहड़ी मर्जी लैंग्वेज सिखो पर मां बोली की कीमत तां ना सिखो ना कि मैं पंजाबी नूं छड के मैं तां इह करूंगा सो इसे करके तो पंजाबी दो यूनिवर्सिटियां ने जिहड़ियां लैंगुएज के नाम ते एक इजराइल च है एक अपनी है बिस्सा पता एक आ पंजाबी यूनिवर्सिटी सो सारयां नूं मैं यही कहना कि पढ़ो पढ़ने नाल नाल सोशल एक्टिविटीज भी हिस्सा लो पोलीटिकल एक्टिविटीज भी हिस्सा लो डिबेट्स होंदियां ने इत्थे इत्थों निकलणगे हुण ये लीडर हुण उह जमाना गया जदों लीडरां दे घरीं लीडर पैदा होंदे सी हुण तां लोकां चों पैदा होणगे इस जमाना चलिया गया वो जनरेशन चेंज हो गई हुण सो इस करके तुहाडे चों आउण वाले देश के बड़े बड़े लीडर देश के बड़े बड़े वकील बड़े बड़े जज तुहाडे इत्थे बैठे होणगे तुसीं भी इत्थे आके कदे चीफ जस्टिस की कुर्सी ते बैठोगे मैनूं बड़ी खुशी होगी कि तुसीं जज भी साडे इत्थे कहिंदिआं नूं खुशी होगी आने वाले 10 सालों नूं 20 सालों नूं कि जिहड़े जज साहब ने ये अज साडे विच आए ने इस स्टेज तों ही डिबेट दे विच हिस्सा लैके गए सी सो इदां मौके क्रिएट करने पैणगे कल्ला आपां यही करिए भी चलो जी 12वीं कर ली चल कनेडा मांगरी 2 सालों बाद बेबे बापू फिर इत्थे घरां दे रौले जमीना दबलियां क्यों छड के जाइए अपना देश जी इन्ना सोहना देश है धरती फरटाइल है लोग मेहनती ने पीर फकीर का आशीर्वाद है क्यों छड के जाइए असं उत्थे जाने जिते 6-6 महीने बर्फ ही पई रही है लैंग्वेज की प्रॉब्लम है माहौल नहीं मिलता वो इत्थे कोई गल नहीं अपना घर ठीक करांगे कोई बहुत ही देर नहीं हुई हजे सुजीत पात्र साहब का शेर है की होया जे पत चढ़ाई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी मैं लभ के लाउणा कितों कलमां तू फुल्लां जोगी जमीन रखी सो जमीन रखो इत्थे ही आपां पंजाब नूं ही आपां खूबसूरत बनाउणा हैगा भी है खूबसूरत कुछ थोड़ी जी फाइन ट्यूनिंग की लोड़ है बाकी जो विश्वास मेरे ते कीता खास तौर ते यूथ ने मैं उन्हूं कदे नहीं तोड़ूंगा मैं अफसरां नूं पुछिया मैं कहा जी इस तो पहला किवें कम हुंदा सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਊਗਾ 14-15-16 ਮਾਰਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਊਗਾ 21-22 ਜੂਨ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੈ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੱਖਣ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੋਊਗੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਏਅਰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ